सब्सक्राइब कीजिए कुंदन डी ब्लॉगर को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज फिर से आप सभी का स्वागत है एक दूसरे वीडियो में। और अभी शाम हो चुके हैं, लगभग 4:30 हो रहा है और मैं आ चुका हूँ इस जगह को, शायद बोला जाता है शिवधाम। तो ये यहाँ पे शिव मंदिर है और बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर है इस पहाड़ के ऊपर में। तो हमारा अभी डेस्टिनेशन है उस पर चढ़ने का, वहाँ पे चढ़ना है। इससे शायद इसका लेवल की वजह से आगे वाला पहाड़ नहीं दिख पा रहा, वो और भी इससे भी ऊंचा है और उस साइड में है। तो लगभग नामकुम से 15 से 18 किलोमीटर दूर है और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है ये। तो चलिए अभी ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा सीन है आगे। और रास्ता इस तरह से है, यहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी है, वाइट ब्यूटी। तो चलिए चलते हैं। यार हेयर बहुत ख़राब होता है यार हेलमेट पहनने से। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर में क्या हम लोगों को मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अभी तक से कोई जंगल नज़र नहीं आया है यहाँ पे। और लगभग आधा ऊपर चढ़ चुके हैं, थोड़ा थक भी गए हैं। मंदिर अभी तक नज़र नहीं आई है, शिवधाम इस जगह को कहा जाता है। इस पहाड़ का नाम है मरसली पहाड़। अभी और भी ऊपर चढ़ना हम लोग को। अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। अरे खूबसूरत सा दृश्य यहाँ से देखिए। सच में बहुत खूबसूरत है। जंगल तो दिख नहीं रही है क्योंकि कुहासा पूरा लगा हुआ है, लो विजिबिलिटी है यहाँ पे। ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा दिख रहा है। और अभी मंदिर से चलते हैं, वहाँ देखते हैं मंदिर का कुछ सीन और आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है शिव मंदिर यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, तो फोटो सेशन था, फोटो सेशन हो गया हम लोग का। और अभी जो यहाँ का सीन है वो आप देखें और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। और वहाँ पे जो हनुमान मंदिर है उस हनुमान मंदिर पे भी चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि कुंड भी है जहाँ से पानी निकलती है पहाड़ से। अब इतनी ऊँचाई पर, ऊँचाई में भी पानी निकलती है, तो कहीं वो पानी कहीं से आ नहीं रही है, बस वो पहाड़ से ही पानी निकल रही है। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पानी गर्म जैसा होता है उस पहाड़ में जो पानी निकलती है। तो चलिए उस कुंड को भी देखते हैं वो कैसा है। मैं आपको ये हनुमान जी का जो मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है, उसको आपको दिखाता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, ये है हनुमान जी का मूर्ति, जय बजरंगबली। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर अभी पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है, अभी बन ही रही है। और वो जो आप देख रहे हैं उसमें यज्ञ होती हैं, ये वाला इसमें यज्ञ होती है। तो कब कब होती है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं इस जगह का। कुछ गलत बोलूँगा तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ के बारे में मुझे खास नॉलेज नहीं है और मैं इस पर होमवर्क भी नहीं किया कि किस जगह पर जा रहा हूँ। बस सडनली प्लान बना, हम लोग आ गए। और पहाड़ के पूरी तरफ से देखा जाए तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, एक साइड से बस उस साइड में कुछ गांव वाले लोग हैं, यहाँ के लोकल जो रहते हैं वो लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो अच्छा, और पहाड़ भी काफ़ी बड़ा है। आप इस अभी हम लोग उस साइड से आएँ, उस साइड से तो मंदिर के जस्ट पीछे वाला से आए हम लोग। कहाँ के मंदिर? हाँ वो मंदिर, मंदिर से पीछे से आए हम लोग। और देखिए यहाँ पे हनुमान मंदिर एक ये वाला यज्ञ का है, और वहाँ पे भी और भी आगे तक है, तो हम लोग को भी और भी आगे जाना है। सबसे पहले तो मैं भूल गया दिखाना कि वो वो कुंड कहाँ है पानी का, जो पानी ऊपर से निकलती है। और ये कुंड है, इसी को शायद बोल रहे थे। अब यहाँ पे पानी कैसे वो तो मुझे नहीं पता है। चलिए पानी गर्म या ठंडा वो देखते हैं एक बार। ओहो, पानी सच में गर्म है।
उतना ज़्यादा तो गर्म नहीं है, लेकिन पानी गर्म है। अभी ठंड का मौसम है रांची में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे पानी अभी ठंड होनी चाहिए थी एकदम, तो पानी थोड़ा थोड़ा उसम उसम जैसा है, मतलब जैसा पी सकते हैं वैसा गर्म है। पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से आ गया, और ये पानी कभी सूखता नहीं है ऐसा मेरे को सुनने में आया, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर पानी रहता ही है, अजीब है। चलिए अब उस साइड चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी है, ये यहाँ से पानी निकलती है और उस साइड जाती है। अब यहाँ से किधर से आ रहा है पानी, पहाड़ इतनी ऊंचाई पे, तो ये देखिए तो इस तरह का बना हुआ है यहाँ का कुंड, वो सेकंड थर्ड। तो ऑल राइट गाइस, अब हम लोग को जाना है उस वाले सीधे, वहाँ तक चलेंगे। उसके आगे क्या, यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आगे क्या है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं कि उस साइड में क्या है, शायद वो लास्ट होगा, उसके आगे और भी पहाड़ नहीं मिलेंगे ताकि हमको आगे जा सके उस तरह का। ओहो एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सीन है, आप देखो एक बार यहाँ का सीन में। अभी हम लोग फिर से एक और भी विचित्र चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये शिवलिंग के आकार का है, आप देखिए थोड़ा दूर से, ये शिवलिंग का आकार का बना हुआ है, और ये तो सीमेंटेड बनाया हुआ है पता चल रहा है, लेकिन आप देखिए इसके अंदर में कुएं के जैसा है, और ये भी शिवलिंग के जैसा ही है एकदम, बिल्कुल भी नहीं, ये आप देख सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। और पानी इधर तक आकर रुक चुकी है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है पूरी कुएं जैसी है एकदम, गड्ढे नीचे का जो सतह होता है वो पता ही नहीं चल रहा कितने गड्ढा है यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ है। अब ये सब चीज़ यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे पानी और गड्ढे कहाँ से आ गए ये तो पता नहीं, भगवान जाने। और इसलिए शायद इस जगह को शिवधाम नाम रखा गया है, और पहाड़ को तो मरसली पहाड़ बोलते हैं ऐसे, इससे पहले मैं आपको बताया, तो बहुत खूबसूरत जगह है, और आ सकते हैं आप लोग घूमने के लिए, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आप लोग आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा प्लेस है, और आप लोग आएंगे तभी इस जगह का रौनक भी बढ़ेगा, जब तक घूमने के लिए लोग नहीं आएंगे तब तक जगह का रौनक नहीं होता है, तो आप लोग आइए घूमिए, अच्छी जगह है, मज़ा आएगा घूम करके। गाइस शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और हम लोग को अभी घर भी जाना है वापस, 18-20 किलोमीटर हम लोग को राइड भी करनी है वापस घर जाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन को तोड़िए फोड़िए पीटिए जो करना कीजिए, जो रेड वाला है उसको ज़रूर ब्लैक कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको तो प्रेस करना ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब तक के लिए आप लोग अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।